हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 31 जुलाई 2022, हरियाली तीज। रख रहे हैं व्रत तो ध्यान रखें व्रत के ये तीन बड़े नियम। हरियाली तीज या श्रावणी तीज का पर्व हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरियाली तीज का त्योहार नाग पंचमी से दो दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा कर उनसे सौभाग्य की कामना करती हैं। आज हम आपको साल 2022 हरियाली तीज व्रत तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के कुछ जरूरी नियम और इस दिन अखंड सौभाग्य के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में बताएंगे। हरियाली तीज तिथि व शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में हरियाली तीज का यह पर्व 31 जुलाई रविवार के दिन मनाया जाएगा। तृतीया तिथि शुरू होगी 31 जुलाई प्रातःकाल 2:59 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 1 अगस्त प्रातःकाल 4:18 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:30 से 8:33 तक। प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त होगा शाम 6:33 से रात्रि 8:51 तक। हरियाली तीज व्रत पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन प्रातःकाल उठकर घर व मंदिर की साफ सफाई कर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद 16 श्रृंगार कर काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती तथा भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाएं। अब इन मूर्तियों को एक चौकी पर स्थापित कर उनका श्रृंगार करें। फिर एक थाल में सुहाग की सामग्री रखकर माता पार्वती को अर्पण करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन कर विधिवत पूजा करें और तीज व्रत की कथा सुनें। अंत में माँ गौरी और भगवान शिव से सौभाग्य की कामना करते हुए पूजा संपन्न करें। हरियाली तीज व्रत के नियम। हरियाली तीज व्रत के कुछ जरूरी नियम हैं जिनका पालन विशेषकर व्रत करने वाली महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन महिलाओं को निर्जल और निराहार व्रत रखना चाहिए। तीज के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद 16 श्रृंगार करने चाहिए। इस दिन शाम के समय शिव मंदिर में भगवान शिव व माता पार्वती की विधिवत पूजा कर घी का दीपक जलाना चाहिए। व्रत के बाद किसी अन्य सुहागन महिला को सुहाग का सामान दान कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन विशेषकर पूजा के समय हरे और लाल रंग के कपड़े व सामान का इस्तेमाल करना ज्यादा शुभ होता है। इस दिन मन में बुरे विचार नहीं आने देने चाहिए और ना ही किसी से झूठ आदि बोलना चाहिए। हरियाली तीज व्रत में व्रत की कथा पढ़ना ना भूलें। व्रत करने वाली महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि व्रत के दौरान किसी का भी अपमान ना करें। इस दिन किसी पर भी क्रोध ना करें। व्रत को पूरी तरह से सात्विक रहते हुए पूरा करना चाहिए। हरियाली तीज व्रत उपाय। साल भर में आने वाले इस तीज व्रत का इंतजार लगभग सभी महिलाओं को रहता है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा और कुछ विशेष उपायों से व्यक्ति को जीवन में सुख, सौभाग्य, धन समृद्धि और सुखी गृहस्थ जीवन का वरदान मिलता है। आइए जानते हैं इस दिन मनोकामना प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उपाय क्या हैं। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज पर माता पार्वती को खीर का भोग लगाना चाहिए और पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना शुभ होता है। तीज के दिन पति पत्नी दोनों को मिलकर भगवान शिव को लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए, इससे जीवन में खुशहाली आती है। तीज के व्रत में पूजा के समय हरे रंग की चूड़ियां और हरे रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तीज के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से व्यक्ति को मनोकामना प्राप्ति का वरदान मिलता है। हरियाली तीज के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना और शिव मंत्रों का जाप करने से सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज व्रत के दिन शाम के समय माता गौरी के समक्ष 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने और घी का दीपक जलाने से विवाह संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। तीज के दिन गणेश जी और शिव पार्वती की पूजा करने से व्रती को मनचाहा वरदान मिलता है। मान्यता है कि आज के दिन प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में की गई पूजा से व्यक्ति को पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।